सेकंड सेमेस्टर हम लोग की आज फर्स्ट क्लास है HTML। हम लोग जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस में ध्यान दे देते हैं यहाँ पे कि सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और क्या क्या चीजें रहेंगी। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर जो हमारा है PGDCA 106 GUI प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। कल जो मैंने प्रोजेक्ट के लिए बताया था उसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी, विजुअल बेसिक। ठीक है, उसका एक पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे। फिर सेकंड सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो प्रोजेक्ट के लिए मैंने बताया था बैकएंड। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ही ये सब्जेक्ट होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, थर्ड होता है असेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स एंड HTML। ठीक है, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट का एक प्रैक्टिकल होगा और सेकंड प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन PGDCA 106 107 एंड 108। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसा लास्ट सेमेस्टर में हम लोग ने किया था, प्रोजेक्ट बना प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनाए थे, प्रैक्टिकल्स किए थे, वैसा ही सारा चीज यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन सब्जेक्ट रहेंगे सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, विजुअल बेसिक, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और HTML एंड ई कॉमर्स। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स एंड HTML। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स एंड HTML से। तो इसके सिलेबस में हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे इजी बोलना चाहिए इसको। ठीक है, सबसे इजी सब्जेक्ट है ये सेकंड सेमेस्टर का, मतलब बहुत छोटा है दिखने के लिए, बस बड़ा है इसका सिलेबस, लेकिन बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट 5 यूनिट हम लोग को मिलेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4 और 5। ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरा को पूरा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे डिपेंड है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में यहाँ पे सारा चीज बताया गया। ठीक है, उसका स्कोप क्या है, साइज क्या है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, डेटा इंटरचेंज क्या होता है, बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है। सेकेंड यूनिट में भी यहाँ पे इंटरनेट सिक्योरिटी एंड ई कॉमर्स। ठीक है, मतलब जब हम कोई भी इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज चाहिए होती है, या फिर ई कॉमर्स की क्या क्या सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, तो वो सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो असेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स हम लोग बोल रहे हैं, तो इसमें हम लोग पूरी वेबसाइट के बारे में या फिर इंटरनेट में यूज होने वाले जितने भी एप्लीकेशन है उसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, थर्ड आता है यहाँ पे HTML बेसिक्स एंड वेबसाइट डिजाइन प्रिंसिपल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टोटल यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत उसके बेसिक्स हो गए, वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं, उसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं। ठीक है, तो वो टैग्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइटल टैग होता है, स्क्रिप्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, ब्लॉक कोड, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। फिर यूनिट नंबर 4 में आता है इमेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग बिटवीन वेब पेजेस। ठीक है, कैसे हम लोग वेब पेजेस क्रिएट करते हैं और उस वेब पेज को हम लोग आपस में कैसे लिंक किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग यूनिट नंबर 4 में देखेंगे। और इससे भी रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे टैग्स होते हैं, जैसे कि फॉन्ट, बेस फॉन्ट, सेंटर, हाइट, विड्थ, ठीक है, इमेज, एच रेफरेंस, ठीक है, एंकर्स, ये सारे यहाँ पे फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। देन उसके बाद यूनिट नंबर 5 में यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएटिंग बिजनेस वेबसाइट्स विद डायनामिक वेब पेजेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो भी वेबसाइट बनाते हैं, मतलब यूनिट 3 और 4 को यूज करके हम लोग कोई भी एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। अब उस वेबसाइट को हम लोग इंटरनेट पे कैसे डालेंगे, ठीक है, उसमें कैसे कैसे टाइप के पेजेस होंगे, स्टैटिक पेज होंगे या डायनामिक पेज होंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में बताई जाएगी। और उसको अपलोड कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे बताई जाएंगी। तो यहाँ पे 5 यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इजी भी है।
यूनिट नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल बेसिक्स एंड वेबसाइट डिजाइन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आते हैं व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? जब भी हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं, ठीक है, मतलब इंटरनेट तो आजकल सभी लोग यूज करते हैं, तो जितने भी इंटरनेट में चीजें होती है, ठीक है, सभी के सभी वेबसाइट से ही रिलेटेड होती है। मतलब बिना वेबसाइट के इंटरनेट को एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम लोग को मूवीज डाउनलोड करनी तो मूवीज के लिए वेबसाइट होती है, सॉन्ग्स डाउनलोड करना है तो सॉन्ग्स के लिए वेबसाइट होती है, वॉलपेपर्स डाउनलोड करने तो वॉलपेपर्स डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, और भी बहुत सारे इस प्रकार के वेबसाइट्स बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग सिंपल से जानते हैं, हम लोग साई कॉलेज की वेबसाइट को अगर हम लोग खोलें, ठीक है, साई कॉलेज डॉट ओ आर जी, तो ये हमारा एक वेबसाइट है। ये हमारा एक वेबसाइट है जिसमें हमारे कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है। ठीक है, तो ये वेब ब्राउजर पे खुलता है, क्रोम मैंने यहाँ पे यूज किया, गूगल क्रोम, और इसमें ये वेबसाइट हम लोग खोल के देख रहे हैं। और ये वेबसाइट में बहुत सारे मेनूज होंगे, अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट जनरली होता क्या है कि अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग इंडिविजुअल तक पहुंचाना चाहते हैं, मतलब हर एक इंसान तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आज के डेट में हम लोग देखते हैं फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, ये सारे सोशल मीडियाज होते हैं। तो सोशल मीडियाज क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत सारे लोग वहाँ पोस्ट करते हैं। ठीक है, वो मल्टीपल लोगों के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ मीडियम क्या रहता है, वहाँ फेसबुक ही मीडियम है, वहाँ ट्विटर ही मीडियम है। ठीक है, तो वो सारे मीडियम से क्या होता है, जुड़े हुए सारे इंटरनेट से सभी लोग उस वेबसाइट पर एक्सेस करते हैं और सबके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। अगर मैं इस साई कॉलेज डॉट ओ आर जी जो हमारा वेबसाइट बना हुआ है, इसको मैं दुनिया के किसी भी कोने में अगर बैठ के देखना चाहूँ तो मैं इसको देख सकता हूँ। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, इंडोनेशिया में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, तो उसको अगर ये यूआरएल एड्रेस पता होगा तो वो इस साई कॉलेज की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। मतलब उस वेबसाइट पर एक्सेस करेगा, वेबसाइट के अंदर उसको सारा चीज मिल जाएगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली जो वेबसाइट्स होते हैं, तो वेबसाइट्स बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेब पेज क्या होता है। ठीक है, तो वेब पेज जनरली एक ऐसा पेज होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एमएस वर्ड में एक पेज देखते हैं, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें हम लोग टेक्स्ट लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। सेम वैसे ही हम लोग इस वेब हम लोग यहाँ वर्ड में जो डॉक्यूमेंट यहाँ बनाए हैं, सेम डॉक्यूमेंट को हम लोग इंटरनेट पे नहीं डाल सकते। ठीक है, इंटरनेट के लिए हम लोग को एक वेब पेज क्रिएट करना होता है। इंटरनेट पे यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेब पेज क्रिएट करते हैं, और उस वेब पेज में मल्टीपल टेक्स्ट होंगे, बहुत सारे टेक्स्ट होंगे उसमें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक वेबसाइट खोला है, तो इसके होम पेज पे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, ये होम पेज है, तो होम पेज पे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग लोगो लगा हुआ है, यहाँ कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से कुछ कुछ इमेजेस लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ और फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, कुछ लिंक्स है इसके अंदर, ठीक है, कुछ पीडीएफ्स है, ठीक है, ये लोकेशन भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक वेब पेज हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वेब पेज के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, उसमें टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग वेब पेज की बात करें, वेब पेज के अंदर क्या क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है टेक्स्ट, ठीक है, ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोस, ठीक है, और भी बहुत सारे
एलिमेंट्स इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं। तो ये सारे का कलेक्शन होता है वेब पेज, जो कि हम लोग इंटरनेट में यूज करते हैं। तो इंटरनेट में यूज होने वाले वेब पेजेस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जितनी भी वेबसाइट्स यहाँ पे बनती है, जैसे ये गूगल है, गूगल क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। इसके अंदर क्या है, एक इमेजेस है, यहाँ पे थोड़ा इमेजेस लगा हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पे दो बटन बने हुए हैं, ठीक है, और उसको हम लोग क्लिक कर देते हैं। इतना ही एक वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी चीज हम लोग अगर सर्च करते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर दुर्ग यूनिवर्सिटी सर्च करता हूँ, तो ये दुर्ग यूनिवर्सिटी का कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को दे देगा। तो इंफॉर्मेशन भी वो कैसे दे रहा है, वेब पेज के फॉर्म में दे रहा है। तो जो हम लोग इंटरनेट पे यूज करते हैं, और जो भी यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, सारे के सारे वेब पेज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसी वेब पेज में मल्टीपल लिंक्स होते हैं, ठीक है, जिसको यूज करके हम लोग एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का हम लोग ने वेबसाइट खोली है, इसके अंदर में बहुत सारे पेजेस होंगे, ठीक है। तो मल्टीपल पेजेस, जो वेब पेजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, मल्टीपल वेब पेज को अगर हम लोग कलेक्शन करके एक ही पैकेज के अंदर डाल दें, तो क्या बन जाएगा, वो वेबसाइट बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है, ठीक है। तो यही वेबसाइट को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को वेब पेज बनाना होगा, ठीक है। तो HTML में जब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं, वेबसाइट इज मेड बाय कंडक्टिंग डिफरेंट वेब पेजेस इन विच HTML लैंग्वेज इज यूज्ड, ठीक है। वेब पेज क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज को हम लोग कनेक्ट कर दें आपस में, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज को हम लोग आपस में कनेक्ट कर दें, तो उसको यहाँ पे हम लोग वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग HTML लैंग्वेज का यूज करके हम लोग उस एक वेब पेज को बनाएंगे, ठीक है। हम लोग कौन सा यूज करेंगे, HTML लैंग्वेज, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसकी जो कोडिंग होती है बहुत सिंपल होती है, ठीक है। द कोडिंग ऑफ दिस लैंग्वेज इज सिंपल, टूल्स लाइक HTML और HTML LED, ठीक है, फ्रंट पेज एक्सप्रेस, विजुअल इंटरडेव, हॉट मेटल, होम साइट एक्सेट्रा, ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं HTML को प्रोग्राम करने के लिए। मतलब HTML का जब हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो जनरली हम लोग बहुत सिंपल सा नोटपैड यूज करते हैं, ठीक है, नोटपैड ही हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि सबसे सिंपल वही होता है। अब हम लोग और भी सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं, इतने सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, कोई भी टूल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल होता है नोटपैड, ठीक है। नोटपैड से सिंपल कुछ नहीं है, और उसी में ही हम लोग बहुत अच्छे से कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस टू द वेब पेज, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमेजेस भी हम लोग अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, और भी हम लोग चाहे तो बहुत सारे पैकेज भी अवेलेबल होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट फोटो एडिटर, एडोब फोटोशॉप, ठीक है, ये सारे पैकेज होते हैं, जिस जो हेल्प करता है उस वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। एंड यू कैन ऐड एनिमेशन इफेक्ट टू द वेब पेज यूजिंग फ्लैश, इमेज रेडी एक्सेट्रा, ठीक है। हम लोग अपने वेब पेज में फ्लैश हो गया या इमेज रेडी टूल्स से बनाए हुए एनिमेशंस को भी हम लोग उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। वंस ऑल द वेब पेजेस आर क्रिएटेड, ए वेबसाइट इज एडेड टू इट, ठीक है। जैसे ही पूरे वेब पेज हमारे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको आपस में लिंक कर देते हैं और एक वेबसाइट बना लेते हैं। एंड वेरियस मेथड्स ऑफ द वेबसाइट्स आर चेक एंड अपलोडेड टू द होस्ट सर्वर, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं उस वेबसाइट को चेक करने के लिए, ठीक है। उस वेबसाइट को चेक किया जाता है कि सारे इंफॉर्मेशन जो हमने डाला है वो सही है या नहीं है, प्रॉपर अलाइनमेंट है या नहीं है, या फिर प्रॉपर जो इमेजेस हमने डाले हैं वो पर्टिकुलर साइज में है या नहीं है, ठीक है। जो हमने लोगो लगाया है वो लोगो सही है या नहीं है, जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो टेक्स्ट सही है या नहीं है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमने वहाँ पे दिया है ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको सर्वर पे अपलोड कर देंगे।
सर्वर पे अपलोड करना मतलब क्या होता है, हमने जो वेबसाइट बनाया हम तो उसको कंप्यूटर पे चला रहे हैं और हम ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको होस्ट सर्वर पे इंस्टॉल कर देंगे, होस्ट सर्वर पे हम लोग उसको अपलोड कर देंगे, तो वो इंटरनेट पे लाइव दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट पे लाइव दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक FTP सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम लोग एक वेबसाइट को अपलोड, तो हमारे हमको क्या करना है, हमको एक वेबसाइट बनाना है। ठीक है, वेबसाइट क्या होगा, वेब पेज का कलेक्शन होगा। ठीक है, वेब पेज क्या होगा, टेक्स्ट ग्राफिक्स इमेजेस वीडियोस का कोई एक कलेक्शन होगा। ठीक है, जिसको हम लोग HTML डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग वेब पेज या फिर हम लोग बोलेंगे HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो HTML डॉक्यूमेंट हम लोग बनाएंगे और मान लो 5, 10, 15 HTML हम लोग ने बना लिया और उसको एक वेबसाइट में हम लोग डाल दिए, मतलब उसका एक कलेक्शन ही वेबसाइट होता है, सीधी सी बात। ठीक है, तो वेबसाइट जो होता है वो सारी इंफॉर्मेशन देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी भी बिजनेस के बारे में, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, या फिर किसी का पर्सनल वेबसाइट भी होता है, तो इस प्रकार के बहुत सारे टाइप के वेबसाइट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, व्हेन अ फाइल इज सेंड फ्रॉम ए वेब सर्वर टू ए क्लाइंट कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। जब भी कोई फाइल, जैसे इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी एक मूवी या फिर फाइल डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, मतलब वो क्या है, कहीं ना कहीं सर्वर पे। ठीक है, कहीं भी एक सर्वर पे वो फाइल रखा हुआ है। ठीक है, मैंने उसमें डाउनलोड पे क्लिक किया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो फाइल धीरे 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 हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो वेब सर्वर से लेके, वो वेब सर्वर से इस क्लाइंट कंप्यूटर तक, क्लाइंट कंप्यूटर मतलब हमारा जो कंप्यूटर है या फिर हमारा जो मोबाइल। ठीक है, वो सर्वर से कनेक्ट होगा और वेब सर्वर से वो फाइल किस में डाउनलोड होगा, क्लाइंट कंप्यूटर पे या फिर जो मोबाइल डिवाइस है हमारा उस पे वो डाउनलोड होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउनलोडिंग, मतलब वो वेब सर्वर से वो फाइल को कॉपी करेगा क्लाइंट कंप्यूटर में। ये डिपेंड करता है स्पीड पे, जो इंटरनेट की स्पीड होगी। ठीक है, उस पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे भी हमारी स्पीड होगी, जैसे भी हमारी स्पीड होगी, हमें हमारा इंटरनेट बहुत अच्छा है तो फास्ट डाउनलोड होगा। ठीक है, हमारा इंटरनेट बहुत स्लो है, हम लोग 2G यूज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जो नेटवर्क है हमारा सही नहीं है, तो हम लोग का जो डाउनलोडिंग होगा वो स्लो होता है। तो वेब सर्वर से लेके क्लाइंट कंप्यूटर तक जो भी फाइल आएगी उसको हम लोग डाउनलोडिंग बोलेंगे। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा, व्हेन ए फाइल इज सेंड फ्रॉम ए क्लाइंट कंप्यूटर टू ए सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, हम लोग अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल को अपलोड करते हैं, ठीक है, सर्वर कंप्यूटर पे, तो क्या होगा, वो अपलोडिंग होगा। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल बताऊं, जैसे हम लोग एग्जाम फॉर्म भरे, सभी लोग एग्जाम फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, उसमें हम लोग फोटो अपलोड करते हैं, साइन अपलोड करते हैं। ठीक है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर से वो सर्वर पे जा रहा है, जो भी हमारा यूनिवर्सिटी का सर्वर होगा वहां पे वो फाइल अपलोड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपलोडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इंटरनेट में दो चीजें होती है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। ठीक है, या तो अपलोड करना है या तो डाउनलोड करना है, दोनों के लिए यहाँ पे हम लोग को FTP सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते ही हम लोग अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की फीचर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी सर्वर्स होते हैं या फिर कंप्यूटर होते हैं, जब भी हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट FTP सॉफ्टवेयर ये काम करना स्टार्ट कर देता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है या फिर जो हमारा वेब ब्राउजर होता है, जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, UC ब्राउजर, जो भी हम लोग यूज करते हैं उसमें ये सारी चीजें इनबिल्ट दी जाती है। ठीक है, अगर FTP सॉफ्टवेयर उसमें नहीं होगा या फिर FTP का जो भी फीचर उसमें नहीं होगा, तो कोई भी वेबसाइट ना खुलेगा ना हम लोग उसको देख पाएंगे,
ठीक है, कुछ भी चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं।